हेलो गाइस, आई एम अनन्या ठाकरे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग के 10वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स के बीच में। उससे पहले बात करेंगे कल के रिजल्ट के बारे में। कल का रिजल्ट क्या रहा? कल तो मैं वीडियो नहीं दी थी, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दो ओपन टीम दी थी, और मैं जो वीडियो कभी अगर मिस हो जाता है तो उसकी फाइनल टीम, ओपन टीम आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जाइए कल का रिजल्ट देखिए। अल्ट्रा मेगा क्लेंसिप हुआ, दोनों मैच में मेरे यूजर्स, मेरे व्यूवर्स ग्रैंड लीग जीते, मैं भी जीती। तो कल का मैच बहुत अच्छा रहा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंडर्स की। सिर्फ डिफेंडर्स में है सबसे पहले सौरभ नांदल, जो कि बैंगलोर बुल्स की तरफ से है, और ये प्लेयर आज इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। राइट कवर पे खेलते हुए दिखाई देंगे आपको बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, और जीएल और स्मॉल लीग दोनों के लिए ही अच्छा पिक है। आप इनके साथ जा सकते हैं, 94% सिलेक्शन है, और इनका काम भी वैसा ही रहेगा 94% सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सुमित की। सुमित लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हुए दिखाई देंगे आपको यूपी की तरफ से, 73% सिलेक्शन है, और इम्पोर्टेंट प्लेयर है आज के मैच में। आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। अब बात करते हैं एस सिंह देहाल की। एस सिंह देहाल राइट कवर पे खेलते हुए दिखाई देंगे बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, और ये इम्पोर्टेंट कब रहेंगे? जब आप बेंगलुरु के फेवर में टीम बनाओगे, बेंगलुरु बुल्स के फेवर में टीम बनाओगे, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज के मैच में, नहीं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप यूपी के फेवर में टीम बनाते हो तो आप इनको अपने टीम में ड्रॉप कर दीजिए। अब बात करते हैं एस कुमार, साहुल कुमार के बारे में, जो कि राइट कॉर्नर पर खेलते हुए दिखाई देंगे यूपी योद्धा की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज के मैच में। कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप इनको अपनी टीम में बना सकते हैं। 81% सिलेक्शन है, और उनका काम भी उस अकॉर्डिंग रह सकता है। हितेश सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, तो उनका खेलना इस मैच में शायद ही मुश्किल हो, और नीचे कोई है नहीं, सारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं और नॉट प्लेइंग प्लेयर हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। आपको मैंने डिफेंडर सेक्शन कह के प्लेयर का अच्छे से समझा दिया है कि कौन से प्लेयर को कौन से कंडीशन में लेना है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में सबसे पहले प्रतीक 59% सिलेक्शन है इनका, लेफ्ट कवर पे खेलेंगे। अगर आप बेंगलुरु बुल्स के फेवर में टीम बना रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बेंगलुरु बुल्स के फेवर में आप अगर जब टीम बना रहे हो तो आप इनके साथ जा सकते हो, इनको पिक कर सकते हो अपनी टीम में। अच्छा प्लेयर है, बेंगलुरु बुल्स अगर जीतेगी तो उस टीम में ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं पॉइंट्स लेकर के। कैप्टन नहीं बनेंगे, टीम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं ए डूल सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, नहीं खेलेंगे तो उनका बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं ए सिंह की। ए सिंह राइट कवर पे खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। अगर आप यूपी के फेवर में टीम बनाते हो तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, नहीं तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं नीतीश रावल के बारे में। लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हुए दिखाई देंगे बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, और डिफेंस और रेड दोनों करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं प्लेयर। आप अपनी टीम में लीजिए दोनों ही कंडीशन में। अगर आप मैंगलोर के फेवर में टीम बना रहे हो तो भी आप इनके साथ जा सकते हो, और अगर आप यूपी के फेवर में टीम बना रहे हो तो भी आप इनके साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं विवेक कुमार की। विवेक कुमार का सिलेक्शन 0% है, लेफ्ट कवर पर खेलते हुए दिखाई देंगे आपको यूपी की तरफ से, और अगर आपका टीम यूपी के फेवर में आप बनाते हो तो आप इनको ले सकते हो अपनी टीम में। बस ऑलराउंडर सेक्शन का मैंने आपको पूरा बता दिया, कौन से प्लेयर कौन से कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और कौन से प्लेयर कहाँ खेलते हैं। अब बात करते हैं रेडर्स की। रेडर्स कौन सा प्लेयर रहने वाला है इम्पोर्टेंट और कौन सा प्लेयर रहने वाला है फ्लॉप उसकी। सबसे पहले बात करते हैं अजिंक्य पवार की। ए पवार का सिलेक्शन है 47%। अगर आप बेंगलुरु के फेवर में टीम बनाते हो तो इनको अपनी टीम में ले सकते हैं, जीएल की एक अच्छी पिक है। सिलेक्शन उनका बहुत कम है, 47% सिलेक्शन है इनका, और कल बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं भरत हुड्डा की। भरत हुड्डा ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है जो कि रेडर सेक्शन में बैठे हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। 11% सिलेक्शन है, कैप्टन वॉइस कैप्टन भी आज के मैच में ये बन सकते हैं, हालांकि लास्ट मैच में ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन आज के मैच में ये परफॉर्म कर सकते हैं, कैप्टन वॉइस कैप्टन भी बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन पर 11% सिलेक्शन है इनका। अब बात करते हैं एस गिल की, सुरेंद्र गिल।
ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और आज के मैच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे यूपी के फेवर में। अगर आप टीम बनाते हो तो इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रदीप नरवाल की। प्रदीप नरवाल आज के मैच में मैं ड्रॉप करके चलूँगी, लेकिन अगर आप बेंगलुरु के फेवर में टीम बना रहे हो तो इनको ले सकते हो। 71% सिलेक्शन है इनका और एक दो टीम में ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो जीएल की टीम में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम ही पॉइंट ले रहे हैं अभी, ज़्यादातर मैच में ये फ्लॉप हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चलूँगी। और जीएल की टीम में एक दो टीम में ट्राई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी करूँगी। अगर मैं बेंगलोर के फेवर में टीम बनाती हूँ तो मैं इनके साथ जाऊँगी और जीएल की टीम में लूँगी मैं इनको, क्योंकि ये बार बार रेड करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है रेडिंग से ये पॉइंट ले लें, तो मैं ले सकती हूँ इनको अगर मेरी टीम बेंगलुरु के फेवर में होगी तो। अब बात करते हैं बी राजपूत की। बी राजपूत कल ये मुझे जीएल जितवाए थे और इनकी वजह से कल मैं जीएल जीती थी और आज भी मैं यूपी को फेवर करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको दो टीम ओपन करके बता दूंगी। तो बी राजपूत को कब लेना है? बी राजपूत को आपको जब लेना है, जब आपकी टीम यूपी के फेवर में हो तो तब आप इनको ले सकते हैं और अपने टीम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं। अब बात करते हैं जय भगवान की। दो मैच से ये फ्लॉप रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आज ये पॉइंट ले और प्रदीप और अजिंक्य से अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये दोनों से बेटर है ये। तो मैं अगर बेंगलुरु के फेवर में टीम बनाऊंगी तो इनका 0% सिलेक्शन है, मैं इनको ले सकती हूँ अपनी टीम में। रेडर्स का मैंने आपको अच्छे से एक एक प्लेयर का समझा दिया, अब मैं आपको सीधा दो टीम ओपन करके बता देती हूँ। मेरी आज टीम होगी यूपी के फेवर में, मैं आज यूपी को फेवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक टीम दिखा देती हूँ जो कि यूपी के फेवर में है। ये मेरी टीम वन, जिसमें डिफेंडर्स में मैंने लिया है 3 प्लेयर को, ऑलराउंडर्स में लिया है 2 प्लेयर को, रेडर्स में लिया है मैंने 2 प्लेयर को। अब मैं आपको समझा देती हूँ। डिफेंडर्स में मैंने लिया है सुमित को, मैंने कैप्टन किया है, एस नंदल है, एस कुमार है और बस 2 प्लेयर हैं बेंगलुरु बुल्स के और 5 प्लेयर हैं यूपी योद्धा के। तो आप जो भी टीम को फेवर कर रहे हो, कम से कम 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टीम जीतती है उसके 5 प्लेयर तो आते ही आते हैं ड्रीम टीम में। आपको मैंने एक टीम दिखा दिया यूपी के फेवर वाला, अब अगर मेरी बेंगलोर के फेवर में टीम होगी तो क्या होगी? ये है मेरी टीम 2 जो कि बेंगलोर के फेवर में है। देख सकते हैं डिफेंडर्स इसमें 4 है, ऑलराउंडर्स 2 है और रेडर 1 है। रेडर मैं प्रदीप नरवाल के साथ गई हूँ क्योंकि ये बेंगलोर के फेवर में टीम है, इसलिए कैप्टन वॉइस कैप्टन एस नंदल और कैप्टन इन रावल ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ये है मेरी आज की 2 टीम। मेरी जो भी फाइनल टीम होगी उस वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।